हेलो गाइस, आज हम वॉच करने वाले हैं BMW की 3 सीरीज़। दोस्तों हमारे पास आज आई हुई है BMW 320D। दोस्तों आज हम इसे फुल डिटेलिंग करने वाले हैं, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। पहले आप कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों, कंडीशन काफ़ी ज़्यादा यहां पर आपको डस्टी नज़र आ रही होगी। और जैसे ही दोस्तों हम इसके साइड से हम लुक देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसके जो रियर व्हील है उस पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जो डस्ट है वो जमी हुई है। साथ ही साथ इसकी जो अंडरबॉडी है वो अंडरबॉडी भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर आपको मड़ी नज़र आ रही होगी। चलिए दोस्तों इसका हम एक बार रियर डोर को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर में सीट की कंडीशन किस प्रकार से है। सबसे पहले हम इसके डोर की तरफ नज़र डालेंगे। दोस्तों आप डोर को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा जो मैल है, हम पास ले जाते हैं कैमरा को तो आप अच्छे से देख सकते हैं गंदगी कितनी ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो सीट की कंडीशन है उसे भी आप देख लीजिए, पास से एक बार दिखा देते हैं कि कितना ज़्यादा जो मैल है वो सीट पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार की कुछ कंडीशन है दोस्तों। चलिए एक बार आपको हम इसका फ्रंट डोर भी ओपन करके दिखा देते हैं। जैसे हम को पैसेंजर डोर को ओपन करते हैं आप यहाँ पर भी कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो दाग है वो इस गाड़ी पे लगे हुए हैं। दोस्तों ये बीज कलर होता है, आई थिंक बीज कलर है ये, और इसमें जब दाग लग जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये उभर के दिखते हैं। वीडियो में आपको इतने अच्छे से पता नहीं चल रही होगी लेकिन दाग है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा उभर के आए हैं। तो आज हम इसकी सीट को, सीलिंग को, गेट को और बॉडी हर एक चीज़ को दोस्तों हम कंप्लीट वॉश करने वाले हैं। पूरी वीडियो से बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन अच्छी आपको क्वालिटी वाली वीडियो मिलने वाली है। तो आप पूरे वीडियो को देखिए और हमारी सर्विस आपको कैसे लगी और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। गाइस अभी हम एक केमिकल इस पर स्प्रे करेंगे और ये जो आप दाग देख सकते हैं हम इसे पूरी तरीके से यहाँ से हटाने के लिए ये केमिकल को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे जल्दी से स्प्रे कर देते हैं पूरी बॉडी पे। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा जो गंदा है वो आपको कलर डिफरेंस जो है वो पूरा का पूरा जैसी क्लीन होगा वैसी आपको जो डिफरेंस है वो दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरा हम लोग एक बार इसको डोर में अप्लाई कर देते हैं, फिर आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। Thank you.
दोस्तों इसे हम स्टीमिंग कहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और जैसे हम इसमें स्टीम जैसी अप्लाई करेंगे एसी वेंट्स के अंदर, तो जितने भी एसी वेंट्स हैं वहाँ से जो स्टीम के जो भाप होती है वो निकलना चालू हो जाती है। इसका एक बेनिफिट है दोस्तों कि इससे जो एसी के अंदर जो भी बदबू होती है, जो भी जो डस्टी चीज़ें होती है दोस्तों, वो पूरी की पूरी रिमूव हो जाती है। गाइज अभी हम लोग इसको हाइड्रोलिक के थ्रू हम अभी गाड़ी को ऊपर करने वाले हैं, ताकि हम इसके व्हील्स को और इसकी जो अंडर बॉडी होती है उसको भी हम अच्छी तरीके से क्लीन कर सकें। तो जैसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं, हम हाइड्रोलिक में इस कार को ऊपर करते हैं और इसकी पूरी अभी जो बाहर की जो क्लीनिंग है, एक्सटीरियर क्लीनिंग, वो आपको दिखाते हैं वीडियो पर आगे।
गाइज आप इसमें पॉलिश के आप डिफरेंस देख सकते हैं फ्रंट डोर और जो बैक डोर है। बैक डोर में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, फ्रंट डोर में स्क्रैचेस नहीं है। तो इस तरीके से पॉलिश के कुछ रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। गाइस फाइनली हमने गाड़ी को कम्प्लीटली वॉश कर लिया है दोस्तों, और आप ओवरऑल देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अभी शाइनी नज़र आ रही है। जैसी पॉलिश हमने किया है दोस्तों, पॉलिश जो है गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उभर के आप देख सकते हैं नज़र आ रही है। तो हम आपको एक बार इसके व्हील दिखा देते हैं, व्हील की शाइन देख लीजिए, काफ़ी अच्छी तरीके से व्हील है वो चमक रहा है। चलिए दोस्तों इसका हम एक बार आपको पूरा वॉक अराउंड रिव्यू दे देते हैं कि हमने इस पर किस तरीके से काम किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बॉडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अब मिरर वाली शाइन यहाँ पर आपको दिख रही है। और जैसे दोस्तों हम इसके टायर को देखेंगे तो टायर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चमक रहा है और काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी ब्लैक कलर यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। जैसे ही दोस्तों हम इसके डोर को ओपन करते हैं, आपने पहले देखा हुआ था डोर पर किस तरीके से मैल जमी हुई थी, लेकिन हमने काफ़ी अच्छी तरीके से इसे रिमूव किया है, आपने वीडियो पर देखा है दोस्तों। और जैसे दोस्तों हम इसके फ्लोर की तरफ देखेंगे तो आप फ्लोर भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्लीन आपको नज़र आ रहा होगा। सीट की बात करें तो सीट भी पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लीन यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेंटर कंसोल भी बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर क्लीन किया हुआ है। तो दोस्तों आपको ओवरऑल हमारी क्लीनिंग की प्रोसेस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये जो गाड़ी को हमने क्लीन किया है आपको कैसा लगा दोस्तों। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमें अप्रिशिएशन दोस्तों इससे मिलेगी। तो आप इसको फ्रंट व्यू भी आप देख सकते हैं, फ्रंट से भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों चमक रही है, इसके जो क्रोम के जो पार्ट हैं वो भी चमक रहे हैं दोस्तों। नीचे साइड से भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इसकी लुक आपको अभी यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो जैसे ही दोस्तों हम इसके साइड में देखेंगे और इसके ड्राइवर डोर को दोस्तों ओपन करके आपको एक बार दिखा देते हैं इसकी लुक। जैसे दोस्तों हम इसके ड्राइवर डोर को ओपन करते हैं, आपने देखा हुआ था किस तरीके से गंदगी थी, लेकिन अभी काफ़ी अच्छी तरीके से यह गाड़ी शाइन कर रही है दोस्तों। हम जैसे इसके मेमोरी फंक्शन में देखेंगे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं अच्छी तरीके से क्लीन हमने किया हुआ है। तो दोस्तों आप इसके डैशबोर्ड को एक बार आप देख लीजिए, डैशबोर्ड जो था अगर आप आमने सामने देखे रहते दोस्तों तो पहले से काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंस है दोस्तों, आमने सामने जो रियल में जो व्यू है वो रियल में दिखता है, कैमरा में उतना व्यू नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल में काफ़ी ज़्यादा डले हुए हैं दोस्तों। क्लीनिंग आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।